दोस्तों, अगर आप भी सिराज, कोहली और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पर मैच खत्म होने के बाद लिटन दास ने अपना होश उड़ाने वाला बयान दे ही दिया है और कुछ ऐसा कह दिया सिराज और कोहली की हरकत पर कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार क्या बोले लिटन दास अपने बयान में आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित कोहली और धोनी व बाबर में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारतीय क्रिकेट टीम का ताबड़तोड़ प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि पहले दिन में हमें बल्लेबाजी मिली थी जो कुछ खास नहीं रही, लेकिन जाते जाते पुजारा के 90 रन और श्रेयस अय्यर के 80 रन से ज्यादा रन की पारी भारत को एक उम्मीद दे गई थी जो दूसरे दिन कामयाब भी रही। दोस्तों, श्रेयस अय्यर भले ही 86 पर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद अश्विन के 50 और फिर कुलदीप यादव के 40 रन भारत को 400 के पार ले गए थे। हमने 404 रन पहली पारी में स्कोरबोर्ड पर लगाए, अब उन्हें बचाना भी तो था, लेकिन सिराज ने बचाने के लिए पहले ओवर की पहली गेंद पर ही शंजो नाम के खिलाड़ी का विकेट भारत को परोस कर रख दिया था। सिराज की रफ्तार को देखने के बाद दोस्तों उमेश यादव से भी भयभीत बांग्लादेशी टीम जब उनका सामना करने लगी तो यासिर अली भी 5 रन के टोटल दायरे के अंदर अपना विकेट गवा बैठे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बीच सिराज का सामना कई दफा लिटन दास से हुआ क्योंकि मैदान में पूरी तरीके से सेट थे, अपनी बारियां बड़ी तेजी से 24 रन लगा चुके थे, 3-4 चौके भी लगा चुके थे। इस बीच दोस्तों सिराज और लिटन दास के बीच में थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है, जब दोस्तों सिराज तो गेंदबाजी कर रहे होते हैं लेकिन लिटन दास उन्हें दूर भगाने का इशारा करते हैं। सिराज पास जाकर कुछ कहते हैं तो लिटन दास उन्हें दोबारा चढ़ाते हुए ऐसा इशारा करते हैं कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, केवल गेंदबाजी करके दिखाओ। बस फिर क्या होना था, सिराज और कोहली की जोड़ी एक साथ मिल जाती है इस काम को अंजाम देने के लिए, जिसके बाद दोस्तों कोहली सिराज को बताते हैं कि उन्हें कैसी गेंद करनी है। एक धीमी गति की गेंद डालकर वो फिर दोस्तों लिटन दास को ही फांस लेते हैं और उन्हें क्लीन बोल्ड कर भारत को उनका विकेट दिला देते हैं। इसके बाद दोस्तों सिराज एक्सप्रेस यही नहीं रुकती, लिटन दास को करारा जवाब तो दिया ही, साथ ही साथ ऐसा सेलिब्रेशन किया कि वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मुंह पे हाथ रख सिराज ने उन्हें मैदान से बाहर का रास्ता भी दिखाया और सिराज के तूफान के बाद दोस्तों फिर कुलदीप यादव ने भी 4 बड़े विकेट अपने नाम किए और दिन का खेल खत्म होने तक हम 271 रन आगे हैं और उनके मात्र 2 विकेट बचे हैं। परंतु दोस्तों अब लिटन दास ने भी सिराज से हुई इस लड़ाई पर बड़ा खुलासा कर दिया है और कुछ ऐसा कहा कि सुनकर हर कोई दंग रह गया। आखिरकार लिटन दास के मुताबिक किसकी गलती थी और उन्होंने क्या कहा लड़ाई पर, चलिए उनका बयान आपको दिखाते हैं। दोस्तों लिटन दास ने अपने बयान में कहा, आज जिस तरीके से हमारी टीम के विकेट गिरे वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम को क्रेडिट जाता है, उनकी गेंदबाजी और उनकी गेंदबाजी में पकड़ दोनों ही बहुत ज्यादा मजबूत रही जिसे हम भांपने में पूरी तरीके से फेल रहे। हालांकि हमारे खिलाड़ियों ने कमबैक करने का प्रयास भी किया लेकिन भारतीय गेंदबाजी आज वाकई में अच्छी थी। दोस्तों जब लिटन दास से लड़ाई पर पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, देखिए मैदान में खिलाड़ियों के बीच में अगर ऐसी वारदातें ना हो तो आखिरकार माहौल कैसे बनेगा, मजा कैसे आएगा, तो इसीलिए खिलाड़ियों के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक तो होनी भी चाहिए, लेकिन सिराज एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और विराट कोहली भी, उनका सेलिब्रेशन हो या फिर मेरा कहना हो ये केवल मैदान तक ही सीमित रहने दीजिए, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और उम्मीद है इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों वैसे तो लिटन दास ने कुछ नहीं कहा लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो सिराज और कोहली को कोस जरूर रहे होंगे। आप सभी को क्या लगता है लड़ाई की शुरुआत किसने करी, इस लड़ाई में गलत कौन है, नीचे कमेंट करके उसका भी नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट लेते ही भावुक हो गए कुलदीप यादव और अपने बयान में दोस्तों धोनी को याद कर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। आखिरकार दूसरे दिन के खेल में ही भारत को लगभग मैच में जिताने पर 4 विकेट लेने के बाद कुलदीप यादव ने क्या कहा अपने बयान में, उनके बयान का इंटरव्यू पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित धोनी व बाबर आजम में सबसे बेहतर खिलाड़ी व कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने ऐसी जादुई गेंदबाजी कराई है कि धोनी के पुराने दिन याद आ चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों के पहले टेस्ट मैच की इस पहली पारी में हमने पहले व दूसरे दिन के कुछ भाग में बल्लेबाजी करी और बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों हमारे बल्लेबाजों ने काफी अच्छी तरीके से टीम को बचाया और उसकी इज्जत को भी बचाया। दोस्तों आपको बता दें कि जब टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो उसके बाद न सिर्फ श्रेयस अय्यर बल्कि पुजारा ने 80-80 से ज्यादा रन की पारी खेल डाली। इतना यानी दोस्तों अश्विन 50 लगा कर गए, कुलदीप यादव खुद 40 रन बनाकर गए और जाते जाते उमेश यादव का वो छक्के जड़ने वाला कैमियो भी तो था जिससे हमारा देश 404 पर पहुंचा। अब ये दोस्तों छोटा लक्ष्य तो नहीं होता अंतरराष्ट्रीय सरजमी पर। खैर हमारी टीम की गेंदबाजी आती है और गेंदबाजी में तो हमारे गेंदबाज ऐसे टूट पड़ते हैं बांग्लादेशी टीम पर मानो ओडीआई का बदला ले रहे हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन सिराज ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही शेंटो को क्लीन बोल्ड किया
इसके बाद उमेश यादव ने भी बैक टू बैक एक बड़ा विकेट दिलाया। फिर तो दोस्तों सिराज एक्सप्रेस रुकी नहीं और लिटन दास को भी अपने साथ ले उड़े। आगे चलकर दोस्तों जाकिर हसन का भी विकेट सिराज का ही नाम रहा, लेकिन असली गेंदबाजी आज कराई है दोस्तों कुलदीप यादव ने। एक लंबे अरसे बाद पुराने कुलदीप यादव नजर आए और दोस्तों कुलदीप यादव ने विकेट लेने के सिलसिले की शुरुआत ही शाकिब अल हसन से करी, जब उन्होंने मात्र 3 रन पर शाकिब अल हसन को अपनी एक गुगली गेंद पर कोहली के द्वारा कैच आउट करा दिया था। 3 रन पर शाकिब के विकेट के बाद तो मानो दोस्तों शॉक लग गया था बांग्लादेशी टीम को, और इसी शौक का फायदा कुलदीप यादव उठा गए। आगे चलकर दोस्तों सेट बल्लेबाज मुशफिकुर को आउट करने वाले और कोई नहीं बल्कि कुलदीप ही बने। नूरुल हसन को पारी के 32वें ओवर में आउट कराने के बाद ये कारनामा दोस्तों पारी के 35वें ओवर में कुलदीप यादव ने किया था, जब मुशफिकुर को LBW आउट किया गया था। उन्होंने अपील तो करी लेकिन थर्ड अंपायर ने भी कहीं ना कहीं मैदानी अंपायर का साथ दिया और कुलदीप की किस्मत ने भी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ओवर की आखिरी गेंद पर ताजुल इस्लाम को क्लीन बोल्ड कर कुलदीप ने 4 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए, और जो बांग्लादेशी टीम बड़ी भुदक रही थी उसके दोस्तों 60 पर 4 विकेट के बाद सीधा 107 पर 8 विकेट कुलदीप यादव की बदौलत ही हुई। और हम लगभग इस मैच को जीत ही चुके हैं दोस्तों, क्योंकि भले ही बांग्लादेशी टीम हमसे 271 रन पीछे है, कल उनके 2 विकेट गिरेंगे और हम 200 रन बनाकर इस मैच को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों 4 विकेट लेकर कुलदीप यादव ने भारत को विनिंग पोजीशन में लाने के बाद भी धोनी को याद किया। आपको बता दें दोस्तों कि कुलदीप यादव ने धोनी को याद कर अपने बयान में कहा, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ऐसा प्रदर्शन करने के लिए वाकई में मैं तरस गया था, और आज जब मौका मिला तो खुद को रोक नहीं सका। कप्तान के साथ मेरी लगातार बातचीत हो रही थी और मेरा एक ही मकसद था, अलग अलग गेंदबाजी के वेरिएशन ट्राई करूं ताकि विरोधी टीम के विकेट मिल सके। इस बात में कोई शक नहीं, हर टीम अपने घर में काफी ज्यादा मजबूत होती है, परंतु बांग्लादेशियों को आउट करना मैं पहले से जानता हूं। धोनी भाई के साथ कई दफा बांग्लादेशियों के साथ सीरीज खेली और वो जिस तरीके से मुझे उस वक्त पर गाइड किया करते थे, मुझे लगता है कि आज वही अनुभव काम आया। मैंने स्लोअर और उगली गेंदों का इस्तेमाल किया जो कभी धोनी भाई के राज में सीखी थी। ये विकेट्स कहीं ना कहीं उन्हें ही समर्पित करना चाहूंगा और अपने उन नायाब फैंस को जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और इस अच्छे वक्त के लिए मुझे हिम्मत दी। उम्मीद है हम इस मैच को बड़े अंतर से जीतेंगे। दोस्तों कुलदीप यादव ने ना सिर्फ 40 रन लगाए बल्कि 4 विकेट भी लिए। एक गेंदबाज से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद धोनी पर जो कहा उसने तो सबका दिल जीत लिया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, कुलदीप को लगातार खिलाना चाहिए या नहीं, और कुलदीप चहल में कौन बेहतर है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों बीच मैदान में सिराज और कोहली से लड़ने आ गए लिटन दास, तो फिर सिराज और उमेश ने ही कोहली के साथ मिलकर ऐसा जवाब दिया लिटन दास को जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन कैसे मैदान में बीच में ड्रामा हुआ जिसके चलते पूरे गेम को रोकना पड़ गया, आखिरकार कैसे भारतीय खिलाड़ियों ने ताड़ते हुए बदला लिया, इस पूरे वाक्य का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज और उमेश यादव में कौन एक बेहतर खिलाड़ी और गेंदबाज है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने, हमारे गेंदबाजों ने बांग्लादेश की टीम को ऐसा आईना दिखाया है कि उसमें वो मुंह देखने लायक भी नहीं रहे। वनडे सीरीज में शेर की तरह दहाड़ रहे बांग्लादेशी खिलाड़ी टेस्ट में हमारे सामने किस तरीके से चूहे बन गए ये तो हमने देखा ही। दोस्तों भले ही हम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन अंत कितना सुनहरा था ये हम सब ने देखा। श्रेयस अय्यर पुजारा की 80-90 रन की पारियां थी। इतना ही नहीं, अश्विन भी 50 लगा गए और कुलदीप यादव भी 40 रन बनाकर गए। उमेश यादव भी सोने पर सुहागा कर गए 2 छक्के जड़कर। हमने एक सम्मानजनक 404 रन का टारगेट अचीव कर लिया था, और दोस्तों इसे बचाने के लिए गेंदबाजों ने ऐसी खौफनाक रफ्तार दिखाई कि बांग्लादेशी खिलाड़ी तो डर के मारे कांपने लगे थे। शुरुआती ओवर के पहले ओवर की पहली गेंद पर ही दोस्तों सिराज ने विकेट लेकर परखच्चे उड़ा के रख दिए थे विरोधी टीम के। दोस्तों सिराज ने तो पहले ओवर की पहली गेंद पर ही शंटू नाम के खिलाड़ी को पंत के द्वारा कैच आउट करा दिया। शून्य पर इस खिलाड़ी का विकेट भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता बनी। इसके बाद दोस्तों यासिर अली को बोल्ड करने वाले उमेश यादव बने, लेकिन तभी बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास मानो सिराज का ध्यान भंग करना चाह रहे थे, क्योंकि वो इतनी अच्छी गेंदबाजी जो करा रहे थे, परंतु वो इस बात को भूल गए कि सिराज के हाथ में रफ्तार की ताकत है जिसके आगे वो झुकने वाले थे। दोस्तों लिटन दास ने सिराज को गुस्सा दिखाते हुए दूर जाने के लिए कहा, कान पकड़कर यह इशारा भी किया कि मुझे तुम्हारे शब्द सुनाई नहीं दे रहे, गेंदबाजी पर ध्यान दो। और फिर तो दोस्तों सिराज ने कोहली के साथ मिलकर ऐसा बदला लिया है जिसे लिटन दास पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। 30 गेंदों में 5 चौके जड़कर बड़ी तेजी से वनडे जैसी पारी खेल रहे लिटन दास 24 रन बना चुके थे। वो रफ्तार वाली गेंदों को बड़े अच्छे से दोस्तों कवर ड्राइव लगाकर चौकों की तरफ डाइवर्ट कर रहे थे। तभी दोस्तों कोहली सिराज के पास जाते हैं और उन्हें थोड़ी रफ्तार धीमी करने की सलाह देते हैं। 14वें ओवर में दोस्तों सिराज जब लिटन दास के सामने आते हैं तो इस प्रैक्टिस को अपनाते हैं। वो दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद को 141 की रफ्तार से डालते हैं। गेंद धीमी होती है, विचलित लिटन दास बल्ला ऊपर उठाते हैं और गेंद उनके बल्ले में लगकर सीधा विकेट्स में घुस जाती है, जिसके बाद वो क्लीन बोल्ड तो हो जाते हैं,
परंतु सिराज का सेलिब्रेशन मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप कराने वाला देखने वाला था। इतना ही नहीं दोस्तों, विराट कोहली भी इस सेलिब्रेशन में सिराज को ज्वाइन कर लेते हैं और कान पे हाथ रखकर उनको बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का तूफान रुका नहीं, इस बदले के बाद तो मानो भारतीय गेंदबाजों में एक अलग ही आग लग गई थी। इसके बाद दोस्तों सिराज ने जाकिर हसन का भी विकेट लिया और कुलदीप यादव ने शाकिब अल हसन को आउट कर दिया। बांग्लादेशी टीम दोस्तों अब तक एक बैसाखी पर आ चुकी थी। जो बांग्लादेशी टीम बड़ी दहाड़ने की कोशिश कर रही थी वो 76 पर अपने 5 बड़े विकेट अब गंवा चुकी थी। और दोस्तों सिराज का ये बदला तो वाकई में देखने वाला था, लेकिन आप सभी सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।